डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग चलते हैं नाइन्थ क्लास के लिए मैथ सब्जेक्ट को पढ़ना शुरू करते हैं। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल सीखा था कि पॉलिनोमियल का जीरोज कैसे निकालते हैं। आगे हम लोग एक्सरसाइज 2.2 का कुछ सॉल्यूशन हम लोग करेंगे और हम आपको बताएंगे कि एक्सरसाइज 2.2 एनसीईआरटी से हम लोग उसका सॉल्यूशन देखेंगे, यानी कि नाइन्थ क्लास की सब्जेक्ट मैथ्स की एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, तो एक्सरसाइज 2.2 का हम लोग सिलेबस क्वेश्चंस देखेंगे। आप देख पा रहे होंगे जो पहला क्वेश्चन में गिवन दिया है पीएक्स का वैल्यू, पीएक्स का वैल्यू कितना दे रखा है, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। और इसमें बोल रहा है कि आप वैल्यू निकालो कितना कितना पे, एट पहला बोल रहा है x बराबर 0, दूसरा बोल रहा है x बराबर -1 और तीसरा बोल रहा है x बराबर 2। ठीक है, यानी कि px का वैल्यू हमें दिया हुआ है और इसका वैल्यू निकालना है कितना कितना पर, तो x बराबर 0 पे, x बराबर -1 पे, x बराबर 2 पे। ठीक है, इसका जब भी हम सॉल्यूशन करेंगे तो चूंकि लिखेगा, चूंकि px का वैल्यू कितना दिया है भाई, 5x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। तो पहला सवाल को सॉल्यूशन करने के लिए x की जगह पे कितना रखना है, 0, तो p 0 इज इक्वल टू 5 इंटू 0। x के जहां जहां x है वहां पे भी 0 हम रखने के लिए पिछले ही क्लास में बताए हुए हैं, पी 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3। टोटल मिला के कितना हुआ, 5 गुना 0 हो गया 0, माइनस 4 इंटू 0 हो गया 0 और प्लस में 3, टोटल मिलाकर कितना हुआ 3। तो पहला को जो आंसर आया वो x बराबर 0 पे आंसर कितना हो गया 3। अब दूसरा सवाल सॉल्यूशन करते हैं, दूसरा कितना बोल रहा है x के जगह पे रखना है -1, तो यहां लिखेंगे p -1, तो p -1 का मतलब क्या है कि 5x यानी 5 इंटू -1 माइनस 4 इंटू x का स्क्वायर, तो x के जगह पे कितना रखना है इस बार, -1 का स्क्वायर प्लस में कितना 3, तो 5 इंटू -1 कितना हुआ -5, -4 इंटू हो गया 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो टोटल मिलाकर कितना हुआ -5 माइनस 4 प्लस 3, तो -9 प्लस 3 कितना हुआ -6। ठीक है, तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये सिचुएशंस है दूसरा का आंसर। तीसरा सिचुएशन बोल रहा है कि x के जगह पे कितना रखो भाई आप, 2 रखो, तो p2 कितना होगा, तो जहां जहां x है वहां क्या रखना है, 2 रखना है, तो यहां पे रख दो आप 5 इंटू 2 माइनस 4, x का स्क्वायर तो x कितना 2 ना, तो 2 का स्क्वायर प्लस में 3, तो 5 को 2 से गुना करो, 5 दूना 10, माइनस 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, और 4 को 4 से गुना करेंगे 16, प्लस में कितना 3। अब 10 और 3 पहले बोर्ड मास के रूप में पहले ऐड करते हैं, तो 10 और 3 को जोड़िए 13 और फिर -16 कितना हुआ, तो राइट आंसर इज -3। ठीक है, तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो पहला के हम लोगों का सॉल्यूशन हो गया कि px का वैल्यू दिया हुआ था और पहला सवाल x बराबर 0 पे आंसर निकालना था, x बराबर -1 पे और x बराबर 2 पे। ठीक है, तो चलिए उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दूसरा में हम लोग बढ़ते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन जो बोल रहा है वो ये कि P0, P1 और P2 देखिए नीचे के वैल्यू में, सबसे पहले दूसरा में जो बोल रहा है कि आप P0 का मान निकालो, P1 का मान निकालो और P2 का मान निकालो। जी, P1 का वैल्यू और P2 का वैल्यू सब सवाल में निकालना है। अब अगर पहला सवाल का हम बात करें
तो किस कितना वैल्यू दिया है, तो पहला सवाल में दिया है py = y² - y+1, ये दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें हमें क्या बोल रहे हैं कि अब आप p0 निकालो, p1 भी निकालो, p2 भी निकालो, तो जहां जहां y हो चाहे x हो, ठीक है, तो यहां पे हम लोग सबसे पहले p0 निकालेंगे, क्योंकि जो जो क्वेश्चंस रहेगा उसमें तीनों का मान निकालना है, एक बार जीरो, एक बार वन, एक बार टू। तो हम यहाँ पे पी वाई दिया है, तो आप यहां से पी जीरो निकालिए, तो पी जीरो कैसे निकालेंगे, वाई के जगह पे जीरो रखिए, तो जीरो का स्क्वायर माइनस जीरो प्लस वन, तो जीरो का स्क्वायर मतलब जीरो और माइनस जीरो प्लस वन, तो जीरो का तो कोई मतलब नहीं है, इसका वैल्यू हो जाएगा वन। सवाल क्या बोल रहा है कि दूसरा में जितना भी पीएक्स पीवाई पीटी कुछ भी दिया रहे उसके जगह पे आप उसके वजह से आप तीनों का आंसर निकालिए, तो हम पी जीरो निकाल लिए ये क्वेश्चन का। अब इसलिए नेक्स्ट पी वन, वन कैसे निकालेंगे, तो वाई के जगह पे कितना रखेंगे वन, तो वहां वाई का स्क्वायर का मतलब वन का स्क्वायर माइनस वन प्लस वन, तो वन का स्क्वायर कितना वन माइनस वन प्लस वन, तो ये वो वन प्लस में है और वो माइनस में, तो कट जाएगा, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा वन, ठीक है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पी टू, तो पी का वैल्यू टू रखेंगे कितना होगा, तो पी का वैल्यू टू रखेंगे तो यहाँ पे वाई स्क्वायर है, तो यहाँ टू का स्क्वायर होगा क्योंकि टू रख रहे हैं, माइनस वाई टू प्लस वन, तो टू का स्क्वायर कितना फोर माइनस टू प्लस वन, तो चार में से दो गया कितना बचेगा दो, और दो में एक जोड़ेगा तो कितना होगा तीन, तो ये हो गया आंसर, ये हो गया आंसर, ये हो गया आंसर, यानी कि पी जीरो पर आंसर हो गया, पी वन पे आंसर हो गया और पी टू पे आंसर हो गया। तो हम लोगों का दूसरा जो क्वेश्चन है कुछ इसी तरीके का है, चलिए उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा का ये पहला क्वेश्चन था, अब दूसरा का दूसरा क्वेश्चन हम सवाल सॉल्यूशन करा देते हैं कि हम लोग कैसे सॉल्यूशन करेंगे। चलिए अब दूसरा का जो दूसरा क्वेश्चन है वो इस बार पीटी का वैल्यू दिया है, क्या दिया है मैंने पीटी का भाई, तो टू प्लस टी प्लस टू टी स्क्वायर, टू प्लस टी प्लस टू प्लस टी प्लस टू टी स्क्वायर माइनस पी क्यू। देखिए इस बार पीटी का वैल्यू दिया है और इस पीटी का वैल्यू में हमें तीनों चीजें निकालनी है, पी जीरो निकालना, पी वन निकालना है, पी टू निकालना है। तो यहां से इसलिए निकालिए पी जीरो, तो पी जीरो कैसे निकालेंगे, तो टू प्लस टी के जगह पे जीरो, टू इंटू जीरो का स्क्वायर माइनस जीरो का क्यूब। हम लोग जानते हैं ना कि टू का टू रहेगा और ये जीरो का तो जीरो ही रहेगा, और जीरो का स्क्वायर का मतलब जीरो, और जीरो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जीरो होता है, और ये भी जीरो, यानी कि सब प्लस जीरो माइनस जीरो, तो टोटल मिला के इधर तो कोई वैल्यू नहीं है, आंसर हो जाएगा टू। अब जरा इसी को हम लोग कितना पे कर लेते हैं, पी वन का वैल्यू निकालना है, तो पी वन टी के जहां जहां टी है इस बार हम लोग क्या रखने वाले हैं, वन रखने वाले, तो टू का टू रहेगा, इस टी के जगह पे वन प्लस टू टी स्क्वायर, यानी कि टू इंटू टी का वैल्यू कितना है वन, वन का स्क्वायर माइनस वन का क्यूब, टोटल मिला के कितना हुआ, दो का दो रखेंगे प्लस वन का वन प्लस वन का स्क्वायर तो वन होता है, और वन को टू से मल्टीपल करेंगे तो टू माइनस वन का क्यूब वन, तो एक प्लस में है और एक माइनस में है, कट जाएगा, तो दो और दो मिलकर कितना हो गया चार। तो इस तरीके से P0 का वैल्यू हो जाएगा दो आंसर, P1 का वैल्यू हो जाएगा चार आंसर, इसलिए अब अगला निकाल सकते हैं P2 का मान, जहां जहां P है वहां पे कितना रखना है टू, तो ये तो ऑलरेडी टू पहले से ही है, फिर T के जगह पे कितना रखना है दो, फिर प्लस टू इंटू टी का स्क्वायर, तो टी का स्क्वायर का मतलब दो का स्क्वायर माइनस दो का क्यूब,
तो यहाँ दो का दो रखेंगे प्लस, फिर दो का दो रखेंगे प्लस, दो का स्क्वायर कितना होता है चार, और चार को दो से गुणा करेंगे कितना होगा आठ, माइनस दो का क्यूब कितना होता है तो दो गुना दो आठ, और आप देख पा रहे होंगे ये आठ में है और ये आठ में है, प्लस माइनस कट जाएगा, इसका ये वैल्यू कितना हो गया फोर। तो कुल मिलाकर हम ऐसे ही दूसरा के सभी सवाल को सॉल्यूशन करना है, तो टोटल मिलाकर दूसरा में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना है, चार तक के क्वेश्चन है, हम दो ठो बता दिए हैं, आप खुद इसका दो ठो का सॉल्यूशन करेंगे इसी तरीके से, ठीक है। तो सब में आपको P2 का पी जितना का भी वैल्यू दिया रहेगा आपको इसका तीनों का मान निकालना है, मतलब P0 P1 P2 तीनों का मान निकाल देना है, इस तरीके से आपका दूसरा का ऑल आंसर ऑल क्वेश्चंस का आंसर आप कर पा लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर तीन पे, क्वेश्चन नंबर तीन क्या बोला जा रहा है, तो क्वेश्चन नंबर तीन कुछ इस तरीके से है, वेरीफाई जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है, यानी कि हम लोगों को क्या करना है, पॉलिनोमियल का जीरोज निकालना है, जीरोज, और हम लोग जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल को वेरीफाई करना है, वेरीफाई करने का मतलब क्या है जरा सुनिए, तीसरा का हम पहला सवाल बताते हैं, हमें तीसरा में क्या बोल रहा है कि वेरीफाई करो ऑफ किसका, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, यानी कि पॉलिनोमियल के जीरोज को हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। अब इसका जीरोज के पॉलिनोमियल के जीरोज को वेरीफाई करना है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, px इज इक्वल टू दिया है 3x प्लस 1, px इज इक्वल टू क्या दिया है 3x प्लस 1, अब px का वैल्यू दे दिया 3x प्लस 1, तो यहां पे हमें कितना पे वेरीफाई करना है, तो कॉमा के आगे लिखा है एक्स बराबर माइनस वन बाई थ्री, तो हम जीरोज को मतलब जानते हैं कि अगर एक्स के जगह पे माइनस वन बाई थ्री रख के अगर वैल्यू निकालना चाहें, अगर जीरो आ गया तो हम लोग बोलेंगे कि यह वेरीफाइड हो गया, यानी कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स को वेरीफाइड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक्स का वैल्यू जितना भी दिया रहेगा उसको यहां पर रखेंगे, और देन अगर कैलकुलेशन करते करते जीरो आ जाता है तब हम बोलेंगे कि ये जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है या फिर वेरीफाइड हो गया। तो अब लिखेंगे नाउ कितना पे, एक्स बराबर माइनस वन बाई थ्री, तो पी माइनस वन बाई थ्री निकालिए, अगर एक्स के जगह पे माइनस वन बाई थ्री निकालते निकालते जीरो आ जाता है तब वो वेरीफाइड हो गया, अगर नहीं आएगा तो हम बोलेंगे कि नोट वेरीफाइड, ये वेरीफाइड नहीं है। तो यहाँ x के जगह पे कितना रखना है, माइनस वन बाई थ्री, तो थ्री तो ऑलरेडी है और उसको माइनस वन बाई थ्री से मल्टीप्लाई करना है फिर प्लस वन करना है, तो तीन से तो तीन कट रहा है तो यहां बच रहा है माइनस वन प्लस वन, तो ये कितना कट के हो गया जीरो, तो सो px इज इक्वल टू जीरो, px का मान कितना हो गया जीरो, इसलिए इट इज वेरीफाइड, ये वेरीफाइड हो गया जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, इट इज वेरीफाइड जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, ये वेरीफाइड हो गया हम लोग का। वैसे ही इसमें टोटल अगर क्वेश्चन का बात करें तो आठ क्वेश्चन है, फिलहाल हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर इस बार तीसरा देखते हैं, तीसरा का टोटल आठ क्वेश्चन है, तो हम पहला बता दिए, अब आगे आते हैं तीसरा के तीसरा क्वेश्चन पे, हालांकि सब में हमें क्या करना है, वेरीफाइड करना है, तो तीसरा के तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है जरा उसको भी देख लेते हैं, तीसरा का तीसरा है या दूसरा है, तीसरा का ये तीसरा है, चलो देख लेते हैं, तो पीएक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन, और कॉमा के आगे दिया है x बराबर वन कॉमा माइनस वन, ठीक है। अब आप देख लो ये px का मैं वैल्यू दे चुका है, ठीक है, और x का वैल्यू वन पे और माइनस वन पे हमें क्या करना है, देखना है कि px का वैल्यू जीरो आता है कि नहीं, अगर px का वैल्यू अगर जीरो आ जाता है तो हम बोलेंगे कि ये वेरीफाइड हो गया,
ये वेरीफाइड हो गया। अगर जीरो जो नहीं आता है तो हम बोलेंगे कि ये वेरीफाइड नहीं हुआ। सबसे पहले यहां पे नाउ हमको अगर यहां पे कितना नंबर पे चेक करना है, वन पे चेक करना है और माइनस वन पे चेक करना है, ठीक है। हम बारी बारी से दोनों पे चेक करेंगे, मतलब कि आप पी वन निकालिए, ठीक है, तो पी वन पे भी जीरो आना चाहिए और पी माइनस वन पे भी जीरो आना चाहिए, तभी चीजें वो वेरीफाइड होगी, ठीक है। तो x की जगह पे वन रखा तो वन का स्क्वायर माइनस वन, तो वन का स्क्वायर तो वन और वन में से बन गया जीरो, बहुत बढ़िया। एंड पी माइनस वन, माइनस वन पे भी तो चेक करना है इसने, तो x की जगह पे माइनस वन रखिए, तो x स्क्वायर का मतलब माइनस वन का स्क्वायर माइनस वन, तो माइनस वन का स्क्वायर का मतलब क्या होता है जरा देखिए, माइनस वन इंटू माइनस वन, और माइनस माइनस क्या होता है प्लस वन। इसका मतलब ये हुआ कि माइनस का पावर अगर कोई भी इवेन होता है, दो चार छ आठ, वो प्लस में हो जाता है, तो यहां हो जाएगा वन माइनस वन इक्वल टू कितना जीरो। तो यहां पे हम लोगों को पा रहे हैं हियर पीएक्स का वैल्यू जीरो आ जा रहा है, सो इट इज वेरीफाइड जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। यानी कि अगर वेरीफाइड हो जाता है हम लोगों का तो आंसर कितना आता है पीएक्स का वैल्यू जीरो जीरो आता है। तो उसी तरीके से टोटल तीसरा में कितना क्वेश्चन है, आठ क्वेश्चन है। पहले पीएक्स या पीवाई कुछ का भी दिया रहेगा और इधर उसका मान दिया रहेगा, अब उसका वैल्यू यहां पे रख के आपको चेक करना है कि जीरो आ रहा है कि नहीं। अगर जीरो आ रहा है तो आप लिखेंगे वेरीफाइड, अगर जीरो नहीं आ रहा है हम लिखेंगे इट इज नॉट वेरीफाइड जीरो जब पॉलिनोमियल, यानी कि वेरीफाइड नहीं कर रहा है। तो कब करना है वेरीफाइड और कब करना है नॉट वेरीफाइड, अगर जीरो आ जाता है उसको करेंगे वेरीफाइड और जीरो नहीं आता है उसको करेंगे नॉट वेरीफाइड, ठीक है। तो इन चीजों का आप जरूर ख्याल रखिएगा। खैर हम लोग अब सीख गए, तो अब तीसरा में टोटल क्वेश्चन कितना है, तो दोस्तों तीसरा में टोटल क्वेश्चन एट है। अब एट में से हम कितना कितना नंबर बता दिए, वन और थर्ड नंबर को हम वेरीफाइड करके दिखा चुके हैं। अब आपको बाकी का छह क्वेश्चन इसमें हम छोड़ रहे हैं आपके लिए, तीसरा में टोटल एट क्वेश्चन है जिसमें छह क्वेश्चन आपको खुद से करना होगा, क्योंकि वेरीफाइड का मतलब क्या, आप वहां पे जो एक्स के बगल में वैल्यू दिया रहेगा आप उसको रखो, अगर जीरो आ जाता है आपका आंसर वेरीफाइड हो गया, अगर नहीं आता है तब जाकर नॉट वेरीफाइड हुआ, तो इसमें ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यहां पे आपको क्या करना है, यहां पे आपको सिंपल सा करना है कि वेरीफाइड करना है बस। तो तीसरा का आठों क्वेश्चन आप में हम दो क्वेश्चन बना दिए, पहला और तीसरा, और बाकी का क्वेश्चन आप खुद से बनाइए कि वेरीफाइड आता है कि नॉट वेरीफाइड आता है। अगर जीरो आ गया उतना मान रखने पे तो वेरीफाइड हो गया, नहीं आया तो नॉट वेरीफाइड हो गया। चलिए उसके बाद हम लोग चलते हैं नंबर चौथे क्वेश्चन पे। चौथा में क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। यानी कि सवाल बोल रहा है कि फाइंड करना है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, यानी कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या करना है, निकालना है। तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल निकालना है, तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं भाई, तो कोई भी अगर पीएक्स का वैल्यू दिया रहेगा, पीटी का वैल्यू दिया रहेगा, पीवाई का वैल्यू दिया रहेगा, कुछ भी वैल्यू दिया रहेगा, हमें क्या करना है उसको जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब उसको जीरो के इक्वल कर देना है। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब कि पीएक्स का वैल्यू किसके बराबर, जीरो के बराबर। तो चलिए क्वेश्चंस लेते हैं, जैसे क्वेश्चंस पहला है पीएक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस फाइव, पीएक्स इज इक्वल टू कितना है एक्स प्लस फाइव। तो सबसे पहले जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या है, तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल
तो जीरो जॉब पॉलिनोमियल का मतलब है कि px इज इक्वल टू कितना, जीरो। ठीक है, जहां कहीं भी आपको जीरो जॉब पॉलिनोमियल निकालने के लिए बोलेगा आप क्या करोगे, px का जगह पे जीरो कर देंगे। तो अब उसके नीचे क्या लिखेंगे, px का वैल्यू कितना दिया है, x प्लस फाइव, तो x प्लस फाइव इक्वल टू जीरो। और यहां से x है, x का मतलब मान निकालना है, इधर प्लस में पांच है उधर जाएगा तो माइनस में पांच हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग का जीरो जब पॉलिनोमियल कितना आ गया, माइनस फाइव। यानी कि चौथे सवाल में जीरो जॉब पॉलिनोमियल निकालना है, और जीरो जॉब पॉलिनोमियल का मतलब क्या हुआ कि px का वैल्यू जीरो आने चाहिए। अब px बराबर जीरो कर लेंगे, क्यों, क्योंकि जीरो जॉब पॉलिनोमियल बोल रहे हैं। अब px का जो सवाल में हमें दिया रहेगा उसका वैल्यू रख देंगे, और इधर जीरो का जीरो रहेगा, और x का वैल्यू ले लेंगे, x का वैल्यू निकाल लेंगे, वो हम लोगों का जीरो जॉब पॉलिनोमियल हो जाता है। ठीक है, चलिए अगले हम लोग आगे पढ़ते हैं, उसका नाम है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। इस बार चौथा क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, चौथा का टोटल सात क्वेश्चन है इसमें। अब सात क्वेश्चन है जिसमें हम लोग अभी पहला को देखें और डायरेक्ट अभी आते हैं चौथे नंबर पे। चौथा नंबर में px का वैल्यू क्या दिया है, 3x-2। px का वैल्यू गिवेन है, गिवेन px बराबर 3x-2। इसमें भी वही लिखेंगे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या है दोस्तों, कि px का वैल्यू कितना होना चाहिए, जीरो होने चाहिए। ठीक है, px इज इक्वल टू जीरो। अब px इज इक्वल टू जीरो का मतलब क्या हुआ कि px का वैल्यू सवाल में कितना दे दिया, px का वैल्यू दे दिया 3x-2। तो यहां आप 3x-2 रख दो इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, देख पा रहे हो ना, और इसको रख के आप x का वैल्यू निकालो, यानी कि 3x इज इक्वल टू प्लस टू, इसलिए x का जो वैल्यू होगा वो 2/3 होगा। यानी कि ऐसे ही करके हमें टोटल क्या करना है, सात क्वेश्चंस को सॉल्यूशन करना है। चौथा का टोटल कितना क्वेश्चन है, सेवन क्वेश्चन। हम चौथा का कौन कौन सा बता चुके हैं, पहला और चौथा क्वेश्चंस बता चुके हैं। ठीक है, जैसे हम पहले और चौथे क्वेश्चंस को सॉल्यूशन किए हैं जीरो जॉब पॉलिनोमियल निकालने के लिए, सेम कंडीशन आप बाकी के सवालों में भी लगाएंगे, क्योंकि अभी बाकी का सवाल कितना बचा हुआ है, तो पांच क्वेश्चन अभी और बचा हुआ है। ठीक है, तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो टोटल सात क्वेश्चन में से हम इसमें दो क्वेश्चन कर लिए हैं, और आप जीरो जॉब पॉलिनोमियल सातों का निकालना है। तो आज की क्लास को यहीं तक एंड करते हैं, और हाँ, जरूर से जरूर इन क्वेश्चंस को जरूर से जरूर बनाइए, और जो ग्रुप क्रिएट किया हुआ है आप लोग कोई नहीं बना रहे हैं, बनाते भी हैं तो भेजते नहीं, पता नहीं आप लोग को क्या हो गया, तो आप जरूर से जरूर कम से कम भेजिए, ताकि हम देख सकें कि नहीं भाई आप मेहनत कर रहे हो। ठीक है, तो इन चीजों को रियलिटी में अगर आप अपने ईमानदारी से नहीं पूर्वक करोगे तो फिर अदर आदमी क्या कर सकता है, जब आप खुद नहीं पढ़ रहे हो तो। ठीक है, तो आप जरूर से जरूर ट्राई करो, जरूर से जरूर बनाओ, और फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में, कुछ नई चीजें सीखेंगे, नए टॉपिक्स पढ़ेंगे, नए एक्सरसाइज की तरफ आगे बढ़ेंगे। तब तक धन्यवाद।